288 जानों का जिम्मेदार कौन? रेल मंत्री कब देंगे इस्तीफा? विपक्ष ने उठाई मांग। सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के ने उगला जहर, जनता ने दिखाया आईना। ओडिशा में हुए भीषण ट्रेन हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में अब तक 288 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। हादसे को लेकर विपक्ष केंद्र की भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोराट ने ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे तक की मांग कर दी है। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की भयानक टक्कर में मरने वालों की संख्या 288 पहुंच चुकी है। हादसे में लगभग 900 लोग घायल हुए हैं। 20 से अधिक वर्षों में ये देश की सबसे घातक रेल दुर्घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा करने बालासोर पहुंचे हैं। दुर्घटना में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक माल गाड़ी की भयानक टक्कर हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डिब्बे हवा में ऊंचे उड़ गए, मुड़ गए और फिर पटरी से उतर गए। इस हादसे को लेकर जहां पूरे देश में शोक का माहौल है, वहीं दूसरी ओर सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के इस दुख की घड़ी में भी नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सुरेश चौहान के ने हादसे को लेकर ट्वीट में कहा कि वंदे भारत ट्रेन पर खुन्नस में पत्थर मारते हैं। कुछ ही समय पहले रेल पटरियों को काटने पर NIA ने आतंकवादी पकड़े हैं। आतंकी भी ये तरीका अपनाते हैं। हादसे का वार बस समय पहले आतंकी हमलों के लिए बदनाम है, इसलिए मैं श्रद्धांजलि पूर्वक बालासोर ट्रेन हादसे की जांच NIA से करने की मांग कर रहा हूँ। सुरेश चौहान के अपने इस पोस्ट को लेकर एक बार फिर जनता के निशाने पर आ गए हैं। प्रतीक सिंह नाम के एक शख्स ने कहा, तुम चिंटू के चिंटू ही रहोगे, सरकार की लापरवाही को आतंकी हमला बताना तुम्हारा मानसिक दिवालियापन है। एक और शख्स ने सुरेश चौहान के से कहा, ठीक है NIA से जांच करवा लो, लेकिन अगर जांच में कुछ भी साबित नहीं कर पाए तो एक समुदाय के लोगों पर इतना गंभीर आरोप लगाने के लिए सार्वजनिक माफी मांगोगे। एक और ने लिखा, बिना सबूतों के आरोप लगाना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप मामले की जांच का दावा कर रहे हैं तो उसे समर्थन करने के लिए सबूत पेश करें। ओडिशा में हुए भीषण ट्रेन हादसे पर सुरेश चौहान के किस दावे को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।